बनी जा सकती है। और तुम कुछ भी ना करो, अल्लाह के घर निकलते भी है तो तुम्हें हम दहशतगर्दी का लेबल लगा सकते हैं। ये हमारा इख्तियार है। वक्त का फिरान है मोदी, वक्त का फिरान है। और ये एक नहीं, हमारी मस्जिदों की तलाशी है, मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हैं तो तलाशी कर। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से जहां पर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कैसी हरकत की है जिससे सारी गांव को तुमने शर्मिंदा कर दिया। हाँ, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की बेटी न समझो, वो तो हिंदुस्तान की बेटी है। हिंदुस्तान में भी बहुत जुल्म हुआ था, लेकिन उसका नाम का इंकशाफ आज तक नहीं किया हुकूमत ने। बोले नहीं नहीं, औरत का नाम भी औरत होता है, पर्दे में रखना चाहिए। और उस वक्त हम भी निकले, आप भी निकले। जब मजलूम पर जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। निकलना ये एक इंसानियत है। ये इंसान फोटो, उसके बाद अपनी एक बड़ी फोटो सोशल मीडिया क्या मिल गया, सारे आलमो रहमान पूरे हो। बड़ी शर्म आई, आंख से आंसू निकल रहे हैं। या अल्लाह, ये किसके साथ क्या हुआ और इन लोगों ने किस अंदाज से उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। मासूम के साथ जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन जिस अंदाज से फैला रहे हैं बातों को, जिस अंदाज से बता रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि वो जालिमों की एक पूरी ये दहशत करती है। ये मासूम के साथ जो कुछ हुआ दहशत करती है। हम आगाह कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। हम तुम्हारी बेटियों के साथ भी कर सकते हैं, तुम्हारे जवानों के साथ भी कर सकते हैं। सौ बच्चों को ले जाकर डाल दिया जाता है जेलों के अंदर। जेलों में डालने से पहले उनको फॉर्म हाउसों में बंद कर उनको कितना टॉर्चर किया गया। आपकी बस्ती के बच्चों से मेरी बात हुई है कि उनको पानी डाला गया है, कभी ऊपर से कभी नीचे से, कई कई मीटर पानी उनके जिस्म में भर दिया जाता था। कैसी बस्ती हवस और हमको डराने की कोशिश कर रहा, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। आतिफा का मसला हो या ब्लास्टिंग का मसला हो या आपको अरेस्ट करने का मसला हो, इससे सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। माइक कर दो, अब रहना है तो हमारे को ये सब करना है तो रहो, वरना फिर हमारा यही तुम्हारे साथ सुलूक रहेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब तक भी हमारा एक बच्चा भी अगर बाकी रहेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा बुलंद करता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा बुलंद करता रहेगा। और ऐसी बातिल ताकतों से, मुशरिकों से हम नहीं करता। कहीं फिर हम आएंगे और जाएंगे, ये मूली क्या चीज है, इसकी पॉलिसी क्या चीज है। इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे 2019 में अल्लाह ताला इसका मुंह काला जरूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कुछ लोग बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हमारे मौसूफ जो हालात अभी आपके सामने पेश किए हैं, बड़ी हैरत की बात है कि जज साहब का इस्तीफा देना गोया इस बात की खुले तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि जो काम वो किए हैं वो खुद उससे मुतमईन नहीं है। आज मुझे हैरत होती है ऐसी हुकूमतों पर जिसके इख्तदार को अपने हाथ में रखते हैं और सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और सबको अपने तौर पे अपने लिहाज से काम करने का उनके दबाव बनाते हैं। मगर याद रखो, ये चलने वाली हुकूमत नहीं, कम हो गया है, बैंकों से पैसे खत्म हो गए हैं, हवाओं में रहने से अपना मामला खत्म हो जाएगा और होते होते मामला इनका पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे मसाजिद का मामला आता है या मुस्लिम नौजवानों का मामला, कोई किसी के पीछे फिर रहा था, कोई कोई फिल्मा बना रहा था, कोई बम्मा फोड़ा, कोई कुछ कर रहा था। अजीब गरीब हालात हमारे इस मुल्क के हो गए हैं और हमारे मुल्क के साहब को परेशानी तो कुछ भी नहीं है,
घर वालों को नहीं मालूम, इन्हों की साधु है कि क्या है कि मेरे को ऐसा समझ में आता बात बात। अब कोई काम तो वैसे कर रहे नहीं, तब इसमें हो सकता है तो अपने को छुपाने के लिए इनको सामने रख दिए होंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों, आज सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज हमको अपने दिलों में इस बात को पैदा करना है कि आज हमारी नस्लों को हमको ये बताना है कि देखो हमारा ये मुल्क है जहां आज इंसाफ के गला काटा जा रहा है, और आगे हमको इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं है। अल्लाह से उम्मीदों को अपने जोड़ लो, अल्लाह से उम्मीदों को अपने वाबस्ता कर लो। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा जो सिम कार्ड प्रोवाइडर ने कनेक्टिविटी के लिए जो दिया था उसमें सेट के सिवा उसमें कुछ नहीं था। बाकी से तकरीबन 3 हफ्ते पहले से दिया गया और यह सिम कार्ड आईटीबी से मरबूत था। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ، جناب ضیاء الدین نیر صاحب، نائب صدر کل ہند مجلس سے تعمیر ملت، جناب حیدر آغا صاحب، جناب مولانا علی قادری صاحب، آج کے جلسے کے کنوینر جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر، میں بام بلاس کے مقدمے کا فیصلہ آیا اور فیصلہ آیا تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تمام کے تمام ایکیوز کو کورٹ نے بری کر دیا، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ان کے خلاف کوئی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2007 مئی جمعے کے دن جب مسلمان اللہ کی عبادت میں مصروف تھا اور آخری رکعت نماز کی جمعے کی، اچانک ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہمارے اللہ کے تقدس، گھر کے تقدس کو پامال کیا گیا، وہاں پر مسلمان جو عبادت میں مصروف تھا ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ہے سرزمین حیدرآباد میں وہ نظارے دیکھے کہ کیسے وہاں پر جو پولیس متعین تھی انہوں نے معصوم لوگوں پر گولیاں برسائیں، جس میں اور 5 لوگ شہید ہو گئے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس بدترین واقعے کے بعد شہر حیدرآباد کے 60 سے زائد نوجوانوں کو پولیس نے ان کو گرفتار نہیں بلکہ ان کو کڈنیپ کیا، غیر قانونی طریقے سے حیدرآباد سے دور کسی ایک فارم ہاؤس پر ان کو رکھ کر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئیں کہ ان کے جسم کے نازک حصوں پر الیکٹرک کا شاک دیا گیا۔ تاربند کے عبد الواجد جو آج اس جلسے میں موجود ہیں،
उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक कमेटी को बताया कि उनको कैसे जबरदस्ती करके एक साथ 8 से 10 लीटर पानी पिलाया जाता और फिर उनको मारा जाता और फिर उनसे पूछते कि क्या तुमने ये बम ब्लास्ट किया। ऐसे ही कई बच्चों को कई कई दिन तक वो मनहूस फार्म हाउस पर रखा गया। फिर रामगोपाल पेट के कॉन्स्पिरेसी केस को एक फर्जी केस बनाकर उनको जेल में जाया गया और एक साल के अरसे के बाद वो पूरे के पूरे नौजवान बच्चे कोर्ट से बरी हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची ने असेंबली और अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में उस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली में एहतजाज हुआ, मुतालिबा किया गया तो वक्त का चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख में पहली मरतबा इस बात का इकरार किया कि हुकूमत से गलती हुई और एक छोटा सा अमाउंट कंपनसेशन के नाम पर दे दिया गया। मगर सवाल हमारा बुनियादी सवाल यह है कि कोर्ट का जो फैसला आया, अगर कोर्ट ने फैसला ये दिया कि ये लोग मुलविस नहीं है, इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है और हम इस बात को कहते हैं कि नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी इसलिए कि फिर किसने बम ब्लास्ट किया, किसने मक्का मस्जिद के अंदर ले जाकर आरडीएक्स और टीएनटी के मिक्सचर में पाइप बम रखे और सेलफोन से उसको बम ब्लास्ट किया गया। कौन थे ये लोग जिन्होंने हमारी मस्जिद के तकद्दस को न सिर्फ पामाल किया बल्कि हमारे नौजवानों को, हमारे मासूम बच्चों की जान भी ले ली।